दमोह में चार लड़कियों के गायब होने से हड़कंप मच गया। चारों लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं और चारों एक ही साथ गायब हो गई। दरअसल ये पूरा मामला दमोह देहात थाना क्षेत्र का है, जहां से चारों लड़कियां एक ही साथ एक बस में सवार होकर कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम को घर नहीं पहुंची। हम लंबे निकल गए पापा। ये नहीं बताए कहां निकल गए? नहीं, ये नहीं बता रहे। तो ये काम का फोन कब आया था कि मतलब काम? मेरे आया है जी आठ। नहीं मैडम का, वो भोपाल से। वो तो एक दो महीना पहले आया, अभी नहीं है पता कब आया। हाँ। तो जानकारी नहीं दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि नहीं जा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। तो आप तो बोली कि भाई हमको अपने फाइल जमा कर भी जा रहे कॉलेज, मैडम को फोन आओ। ठीक है, कोई जानकारी नहीं है। आपको बताया था कि वो कॉल आ रहा है भोपाल से उनके पास? हाँ, ये तुमने बताया था। तो उस काम के बारे में जानकारी नहीं? क्या काम? काम के बारे में कोई जानकारी नहीं। आपने वो नंबर नहीं देखा किसका नंबर है भोपाल से? नहीं, अब हम अपना फ़ोन चला दिए, अपना चलाते बच्चे, मतलब नहीं रखते अपन औरत। और आज 18-20 साल की बच्ची वही जा रही है, और आज तक जो मौका ही नहीं आओ अपन को प्रकार को कहे मने के अपन हो या लेट लपेट हो गई या कहूँ भी अपन शिकायत मिल गई, कोई शिकायत भी नहीं मिली आज तक अपन के लाने दोनों प्रकार की। लड़कियों के घर नहीं पहुंचने के बाद से परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में चारों के घर वाले पुलिस थाने पहुंचे, जिसके बाद से पुलिस ने छानबीन शुरू की। कल देर रात हमको लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि चार लड़कियां जो सीता नगर और बिजोरी क्षेत्र की हैं, वो जो है केएन कॉलेज का बोल के कल सुबह निकली हैं और केएन कॉलेज में अध्ययनरत थी, बीए फर्स्ट ईयर की छात्राएँ, और केएन कॉलेज नहीं पहुँची हैं। उसके बाद उनका लगातार हमने तलाश किया है, हमारा मुखबिर तंत्र हमारी साइबर टीम में लगातार उनको रात भर तलाश करती रही हैं। वर्तमान में अभी तक हमें उनका सॉलिड कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि वो अभी सुबह सुबह चैटिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से परिवारजनों के संपर्क में आई हैं और अभी खुद को सुरक्षित होना बता रही हैं। फिर भी हम पूरी तस्दीक के लिए उनकी तलाश और वो कहाँ पर हैं इसकी जानकारी लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। थाना कोतवाली पर हमने चारों लड़कियों के संबंध में मिसिंग पर्सन जो है वो दर्ज कर लिया है और हमारी दमोह पुलिस की सभी टीमें जो है वो सक्रिय हैं और जल्दी हम चारों बच्चों का पता जो है वो लगा लिया। पुलिस ने लड़कियों की तलाश में कई होटलों में भी छापेमारी की है, हालांकि अभी तक चारों लड़कियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।